Hi, students, myself Bharat Chavla, and I welcome you on my YouTube channel WITS Classes. So, today in this video, I will cover chapter number one of class 12th Business Studies, that is, Nature and Significance of Management. And today I will cover three topics. First topic is concept of management, second one is feature and characteristics of management, and third one is objectives of management. Let us start the first topic, that is, concept of management. So, concept of management means मैनेजमेंट है क्या सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करती हैं वो गोल इफेक्टिवली भी अचीव करना है और एफिशिएंटली भी अचीव करना है तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं सपोज़ कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म का गोल है एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 थाउजेंड ऑफ शूज़ प्रोड्यूस करने का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि जूता बनाती है उसने 50,000 50 हजार यूनिट्स शूज को प्रोड्यूस करने का गोल रखा है ऑब्जेक्टिव रखा है साल के आखिर तक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो चीज़ों पर बहुत ध्यान देगा कि वो गोल जो है इफेक्टिवली भी कंप्लीट हो और एफिशिएंटली भी कंप्लीट हो यानी जो शू मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइम पर भी कंप्लीट कर ले उस गोल को टारगेट को और प्रोडक्शन के साथ कंपनी का रिसोर्स भी कम वेस्ट हो कम मैन पावर लगे कम मशीनरी खर्च हो कम रॉ मटेरियल खर्च हो ठीक है तो मैनेजमेंट क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने गोल को टाइमली भी अचीव करना चाह रहा है और साथ साथ कोशिश कर रहा है कि वो गोल जो है वो कम रिसोर्सेज कम वेस्टेज के साथ खर्च हो so management is a process of getting things done with the main aim of achieving goals effectively means timely and efficiently means with the less resources less wastage of resources right so first topic concept of management ke baad, next topic hai, that is characteristics of management so the first characteristics of management is management is a goal-oriented process सो so, इसका मतलब ये है कि देखिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो जाती है स्टैब्लिश होने के बाद सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद मैनेजमेंट का जो तो टोटल कंसर्न है जो उसका पूरा डायरेक्शन है उसका कंसर्न ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाला हो जाता है तो आइए एक एग्जाम्पल्स इसको अच्छे से समझ लेते हैं सपोज जियो फाइबर ने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि नेक्स्ट ईयर तक वो दस लाख नए कस्टमर्स जोड़ेगा तो अब ऐसे में जियो फाइबर की पूरी टीम पूरे मैनेजमेंट का पर्पस क्या होगा उस टेन लेक जो कस्टमर्स नए कस्टमर्स ऐड करने का ऑब्जेक्टिव है उस पर काम करना तो यानी जब एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो मैनेजमेंट क्या करती है उस ऑब्जेक्टिव के कंसर्न अपने काम करने लगती है सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन मैनेजमेंट इज परवेसिव फंक्शन मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है इन रिस्पेक्टिव टू द नेचर एंड साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशनस हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होटल हॉस्टल हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेजमेंट को फॉलो करती हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इवन मैनेजमेंट को फॉलो करती हैं आप देखिए जितने भी मंदिर गुरुद्वारे आप देखते हैं सब जगह मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है थर्ड पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल तो देखो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है मैनेजमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ को साथ में परफॉर्म करता है तब जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं तो यहाँ पर बेसिकली तीन पॉइंट्स हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तो सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश होती है तो उसका कोई एक मेन वर्क होता है अब आप देखिए जो भी स्कूल स्टैब्लिश होते हैं उनका मेन वर्क क्या होता है किसी भी स्कूल का मेन वर्क होता है कि अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन uh, प्रोवाइड करना ठीक है उनको अच्छे मार्क्स दिलाना उनको अच्छे कैरियर के लिए आगे मोटिवेट uh, करना तो स्कूल जो है स्टेब्लिश हुआ है एक वर्क के लिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क फिर हम समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ़ पीपल अब आप बताइए कि कोई एक स्कूल अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा विदाउट मैनेजिंग पीपल तो सेकंड पॉइंट में यहाँ मैनेज मैनेजमेंट किसको करना पड़ेगा हमें अपने टीचर्स को मैनेज करना पड़ेगा टाइमली टीचर्स को रखना उनको ट्रेनिंग देना ठीक है उनको लेक्चर्स के लिए टाइम टेबल अवेलेबल कराना तो जब तक हमने ये सब चीज़ें नहीं करी तब तक हम अपने वर्क को अचीव नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हमने अपना वर्क पर काम करना है जो भी हमारा मेन कंसर्न है जिसके लिए हम स्टैब्लिश हुए हैं फिर हमें उसको अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है एंड थर्ड वन इज़ ऑपरेशंस। अब मुझे बताइए जो लोग आप लोग जो फीस देते हैं स्कूल को वही फीस मैनेजमेंट फर्दर कन्वर्ट करता है जिससे अपनी रिसोर्सेज खरीदता है आप लोग स्कूल जाते हैं उससे पहले ही स्कूल के अंदर सारी रिसोर्सेज अरेंज फॉर्म में मिलती हैं ये सब होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशं मतलब जो बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रही होती है मैनेजमेंट ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क को अचीव कर सकें तो दिस इज़ मतलब दिस इज़ हाउ वी कैन से मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस तो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है मैनेजमेंट एक एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है उस दिन से लेकर और जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक उसमें मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा मैनेजमेंट बेसिकली सबसे पहले देखो प्लानिंग करता है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करता है फिर वहाँ पर स्टाफिंग होती है स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग तो ये जो प्रोसेस हैं ये जो फंक्शंस हैं ये सीक्वेंशियल चलते रहते हैं इसको कभी बीच में रोक नहीं सकते मैनेजमेंट इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी तो देखो मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है मैनेजमेंट क्या करता है पूरे ग्रुप को पूरे ग्रुप को पूरे ग्रुप के वर्क को अंडरस्टैंड करता है तब जाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज करो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिया ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स को बेचने का अपनी सेल्स टीम को टारगेट दिया ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स को सेल करने का अब आप मुझे बताइए कि आ, क्या ये आ, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर पूरी मेहनत करी सेल्स टीम ने और ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स बेच दी अब आप मुझे बताइए कि ये ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट जो सेल हुई यहाँ पर सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट ने ही मिलकर काम किया तो देखिए ऐसा नहीं हुआ होगा सेल्स डिपार्टमेंट को टाइमली गुड्स प्रोड्यूस करके दिए होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल करके दिया होगा परचेज डिपार्टमेंट ने पर्चेस डिपार्टमेंट को टाइमली फंड्स अरेंज करके दिए होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो ये सारे एक्टिविटी सारे ग्रुप्स ने अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया टाइमली तब जाकर हमने अपने ग्रुप के गोल को अचीव किया नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन तो देखो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप में चेंजेस लाता रहता है जैसे कि इन्वायरमेंट में चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है जैसे जैसे जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी चेंज होगी जहाँ जहाँ आपको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना पड़ता है वैसे वैसे मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है ऑर्गेनाइजेशंस अगर टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट product में प्रोडक्शन में अपने डिलीवरी सिस्टम्स में अपने एडवर्टीजमेंट में अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटीज़ में चेंजेस नहीं करेंगी तो एट द एंड ऑफ द डे उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस लाता रहता है जैसा कि इन्वायरमेंट में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटाइलजिबल फोर्स मैनेजमेंट इज इंटाइलजिबल फोर्स मीन्स मतलब मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच यू कैन विच यू कैन नॉट सी एंड टच यू कैन फील द मैनेजमेंट अब जैसे एक अगर आप किसी अब आप सिंपल से एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि अगर आप एक अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि आ, सारी चीज़ें मैनेज हैं आप वहाँ पर गए आपने खाना खाया खाना खाकर आप वापस आ गए और आपको लाइक एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला आप आते में कहोगे कि यार ये होटल बहुत अच्छा है यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और एट दी अदर हैंड अगर आप किसी ऐसे होटल में गए जहाँ पर आपने ऑर्डर uh, दिया बहुत टाइम पर वो प्रोसेस हुआ ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद जब आपको डिलीवर किया गया तो जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था एक्जैक्टली exactly आपको वैसा ऑर्डर नहीं मिला ठीक है तो आपको जाते समय प्रॉपर टाइम पर टेबल नहीं मिली बैठने के लिए तो आप लोग कहोगे यार इस होटल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अनुभव कर सकते हैं फील कर सकते हैं जिसके होने को प्रेजेंट जिसके प्रेजेंस को फील किया जा सकता है बट हम इसको देख और छू नहीं सकते अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं सबके पास अपने अपने काम हैं सब हारमनी है उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है क्योस नहीं है तो आप क्या कहोगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ठीक है तो इस इस तरीके से मैनेजमेंट इज़ अ इंटेलिजिबल फोर्स थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोगों के पास तीन ऑब्जेक्टिव हैं पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव जिसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होती है तो वो अपने किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर सेटअप होती है तो देखो अगर हम वैसे समझें तो द मतलब द प्राइमरी एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू इज टू मैक्सिमाइज़ देयर प्रॉफिट ठीक है तो इसमें बेसिकली तीन पॉइंट आएंगे फर्स्ट पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में तीन पॉइंट आएंगे सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश होती है तो सबसे पहला उसका जो गोल होता है वो होता है सर्वाइव करना कोई भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब एक नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जाती है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी रिसेंटली कैंपा कोला लॉन्च हुई इंडिया के अंदर अब उसका जो प्रमोटर है वो अंबानी जी हैं तो कंपनी तो बहुत बड़ी है लेकिन अभी भी जब वो मार्केट के अंदर आएगी तो इनिशियल डेज में वो डेज़ में वो सर्वाइव ही करेगी तो इनिशियल डेज में हर कंपनी सर्वाइव करती है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने आप को अपनी पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग करती है सर्वाइवल के बाद सेकेंड आता है प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब जब आप एक एक टाइम तक सर्वाइव करते हैं तो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं एंड थर्ड वन इज ग्रोथ जब प्रॉफिट आपके पास आने लग जाता है तो फिर आप ग्रोथ करते हैं ग्रोथ मतलब आप डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट में चले जाते हैं हो सकता है कैंपा कोला फ्यूचर में वाटर इंडस्ट्री में भी आ जाए कैम्पाकोला हो सकता है जूस की इंडस्ट्री में भी आ जाए तो इसको कहते हैं हम ग्रोथ तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना होता है सर्वाइव करने के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करती है और उसी प्रॉफिट से धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है सेकेंड पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव देखो प्रॉफिट मेकिंग डज शुड नॉट बी मेयरली मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखो प्रॉफिट मेकिंग या ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बट सोशल ऑब्जेक्टिव भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए कुछ करती है ठीक है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करना रीजनेबल प्राइसेस में ठीक है रोड साइड ट्री लगाना राइट अपने सोसाइटी के जो वीकर सोसाइटी है उनको हेल्प करना जैसे ओल्ड एज होम्स हुआ पेंशन हाउसेस हुए इनको हेल्प करना ठीक है अगर कोई नेचुरल क्लेमिटी होती है तो गवर्नमेंट को हेल्प करना तो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब वो सारे ऑब्जेक्टिव जिसके जो हम सोसाइटी को वेलफेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं थर्ड पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स देखिए आज के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज़ हो गया है कि उनकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो उनके इम्प्लॉयज़ हैं अगर एम्प्लॉयज़ होंगे एम्प्लॉयज़ मेहनत से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाएंगी तो देखो ऐसे समझते हैं कि अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं तो कोई ख़राब ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर जाएगी और अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो कितनी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी धीरे धीरे मतलब स्लो डाउन करेगा तो एम्प्लॉज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स आज के टाइम पर है जो कंपनीज़ को समझ में आने लगा है तो कंपनीज़ आज के टाइम पर क्या करती हैं एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमें अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचना है जैसे हमको उनको कॉम्पटेटिव सैलरी देनी है उनकी सैलरीज़ को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है उनको हेल्दी हाइजेनिक और सेफ वर्किंग कंडीशन अवेलेबल करा कर देना है एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे बेनिफिट दे सकते हैं जैसे कि हम उनको हाउसिंग अलाउंसेस दे सकते हैं ठीक इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है रिकोगशन एम्प्लॉइज़ को अच्छा रिकॉग्निशन देना अगर कोई अच्छा एम्प्लॉयज़ कोई अच्छा कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स ले रहा है मेहनत कर रहा है तो उसको रिकॉग्निशन दिलाना उसको रिस्पेक्ट दिलाना ताकि उसको भी अच्छा लगे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग भी देती हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब वो सारे ऑब्जेक्टिव जिससे आपके एम्प्लॉय का वेलफेयर हो रहा है ठीक है तो तीनों ऑब्जेक्टिव को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एग्जाम्पल ये है कि सपोज कि कोई एक आ, कोई मैनुफेक्चरिंग फर्म है जो कि फर्नीचर बनाती है ठीक है तो वो उसने अपना देखा कि आ, वो उसको उसके प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है ठीक है तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए उसने अपना जो प्लांट है वो एक इंटीरियर एरिया में इस्टबलिश किया एक मतलब एक ऐसे एरिया में इस्टबलिश किया जहाँ पर ज़मीनें सस्ती थी वहाँ पर उसने अपने प्लांट को शिफ्ट कर दिया क्योंकि शहर में उसको एक बड़ा रेंट पे करना पड़ रहा था तो उसने अपने अपने प्लांट को मतलब एक इंटीरियर प्लेस में शिफ्ट किया जहाँ पर कम कॉस्ट में मतलब कम रेंट में उसका काम चल रहा था राइट फिर वहाँ पर उसको आसपास में उसने देखा उस ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि आसपास में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और तो उसने वहाँ के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया ठीक है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करा धीरे धीरे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद वहीं पर उन्हीं एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल भी इस्टेब्लिश कर लिया ठीक है तो देखिए इस एग्ज़ाम्पल में हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स कवर करे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने आप को शिफ्ट किया रीलोकेट किया ताकि कॉस्ट को बचा सके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया फर्स्ट ठीक है फिर उसने अपने नियर बाय लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो सोसाइटी में उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी ठीक थी। है थर्ड में उसने अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए वहाँ पर एक स्कूल स्टैब्लिश किया तो यहाँ पर उसने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया अगर ये स्कूल सोसाइटी एट लार्ज के लिए ओपन किया जाता है एम्प्लॉय को कंसर्न करके नहीं खोला जाता तो यह सोशल ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन यह स्कूल अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गया तो इसीलिए ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ तो यहाँ पर हमने अपने तीनों टॉपिक कवर कर लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ठीक है अच्छा आपका एक बात एक मैं आपको बताता हूँ पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपने जैसे अब ये वीडियो सुन लिया अच्छे से देख लिया उसके बाद आप ना अपनी बुक्स उसको रीड कर लीजिए वरना ना ये वीडियो देखना सिर्फ एक एक सिर्फ एक एक्टिविटी रह जाएगी पर्पज़फुल एक्टिविटी नहीं होगी आप साथ साथ उसको बुक से भी रिवाइज़ कर लीजिए और बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो देख लिया आपको लग रहा है कि ओके okay, अब मेरा काम हो गया अभी ऐसा नहीं है पूरा लेक्चर सुनने के बाद आप टाइमली उसको अपनी बुक से ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि बुक से पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए साइन ऑफ